गरियाबंद में राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने जनसुनवाई आयोजित की। जनसुनवाई में महिलाओं की कई शिकायतें दर्ज की गईं। आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक की सूझबूझ से कई प्रकरणों पर तत्काल समाधान निकाला गया। इसके साथ ही कई आवेदकों को अगली तारीख को रायपुर कार्यालय में पहुंचने को कहा गया। जनसुनवाई में 30 प्रकरण पर सीधी सुनवाई हुई, जिसमें महिलाओं द्वारा अपने रिश्तेदारों पर उत्पीड़न लगाए जाने, पंचायत सचिव द्वारा सरपंच और अन्य पंचों पर धमकाने के भी आरोप शिकायतें जनसुनवाई में पहुंची। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्था की महिलाओं द्वारा संपत्ति पर कब्जा करने के मामले को लेकर आवेदन दिया, तो वहीं आयोग के अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने अपने पक्ष में दस्तावेज लाने को कहा। इस योजना के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने डीएमएफ की पॉलिसी में बदलाव किया और गरियाबंद जिले से हमें 5 लाख रुपए की राशि मिली थी। उस राशि में ये रथ 7 दिन में लगभग 28 से 30 जगहों पर ये जाएगा और प्रचार करेगा। और इस रथ में इस बड़ी एलईडी स्क्रीन पे महिला आयोग के कामों के बारे में, महिला आयोग में शिकायत कैसे करना उसके बारे में जानकारी, और साथ ही साथ महिलाओं से संबंधित जितने भी कानूनी अपराध होते हैं और उनको लेकर के महिलाओं को जो समस्याएं होती हैं उनके लिए इसमें सारी फिल्में हैं। हमारे गरियाबंद जिले में इसका शुभारंभ किया गया है, जो कि हमारे 5 ब्लॉक में यह 7 दिन का यह आयोजन किया गया है, जिसमें ये हर ब्लॉक के गांव में प्रयास रहेगा कि ये हर गांव में जा पाए, लेकिन जितने गांव में ये जा सकेंगे वहां पे हर संभव प्रयास रहेगा कि जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, किसी भी प्रकार से यौन शोषण हो रहा है, आर्थिक मानसिक किसी भी प्रकार से महिलाओं के ऊपर जो समस्याएं हो रही है, वो अपनी समस्याओं को बताएंगी और उन समस्याओं का यहाँ पर जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा।